मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर हिंदी क्लास। आई एम मनीषा गुप्ता, योर हिंदी टीचर। प्रीवियस क्लास में हमने य से यज्ञ, र से रथ और ल से लट्टू लिखना सीखा था। आज की क्लास में हम सीखेंगे व से वन। व से वन, वन आपको पता है क्या होता है? जो फॉरेस्ट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वन। व से वन, व से वन बहुत सिंपल से आपको लिखना है। किस तरह से लिखना है? पहले कर्व बनाना है हाफ सर्कल, और फिर एक स्टैंडिंग लाइन कर देनी है। कितना सिंपल है ये। और ऊपर एक स्लिपिंग लाइन कर देनी है। ये क्या बन गया हमारा? व से वन। कर्व बनाना है, एक स्टैंडिंग लाइन करनी है और ऊपर एक स्लिपिंग लाइन करनी है। व से वन, व से वन। इस तरह से व से आप वन कैसे लिखना है आपको? एक कर्व बनाना है और एक स्टैंडिंग लाइन करनी है। व से वन, व से वन, व से वन। किस तरह से लिखना है आपको? कर्व बनाना है, देन एक स्टैंडिंग लाइन करनी है और ऊपर एक स्लिपिंग लाइन करनी है। कितना सिंपल है ये लिखना, है ना? तो आपको किस आइए पूरा पेज ये व से वन का अपनी बुक और नोटबुक दोनों में कंप्लीट करना है। व से वन के बाद नेक्स्ट पेज में हमें क्या लिखना है? श से शलगम। श से शलगम, श से शलगम भी होता है, श से शहनाई भी होता है। ये क्या है? श। इसका क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं हम? श। श से श कैसे लिखना है आपसे को? एक राउंड करना है, देन इसको ऐसे कर्व बनाना है और अंदर से एक छोटा सा राउंड करके आपको नीचे ले जाना है और ऊपर एक स्टैंडिंग लाइन करनी है और एक ऊपर स्लिपिंग लाइन करनी है। ये क्या बना हमारा? श से शलगम, राउंड, देन आपको यो कर्व करके, ये राउंड करके नीचे ले जाना है। श से शलगम, राउंड, देन ऐसे कर्व करके, एक छोटा सा राउंड करके आपको नीचे ले जाना है। श से शलगम, श से शलगम, श से शलगम, श से शलगम। श से शहनाई भी कर सकते हो, ठीक है? तो श से शलगम आपको अपनी ये बुक नोटबुक में कंप्लीट करना है, गुड हैंड राइटिंग में, और अपनी बुक में भी लिखना है। श से शलगम के बाद अब हम य टू श, हमने य टू श लिखना सीख लिया है, तो अब उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपको अपने नेक्स्ट पेज पे क्या लिखना है? य टू श। तो य कैसे लिखना है आपको? पहले य से क्या होता है? य से यज्ञ। आपको ये लेटर्स जो दिए हैं उनको आपको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए, इसलिए अपने एक बार वापस से रिवाइज करेंगे। य, ये क्या है? य, य से यज्ञ, य से यज्ञ। ये आपको बताया था मैंने, पहले एक कर्व करना है, देन नीचे से यू टर्न करके और एक स्टैंडिंग लाइन करनी है उसको ज्वाइन करके, और फिर ऊपर स्लिपिंग लाइन करनी है। ये क्या बना हमारा? य से यज्ञ। फिर य के बाद में क्या आता है बताइए आप? य के बाद आता है र। र के लिए फिर एक कर्व करना है, देन राउंड करके उसको नीचे ले जाना है। र से रथ, ऊपर स्लिपिंग लाइन कर दी तो क्या बन गया हमारा? र, य, र। र के बाद क्या आता है? ल, स्टैंडिंग लाइन, देन ऐसे टर्न करके नीचे इसको ऐसे नीचे ले जाना है और ऊपर एक स्लिपिंग लाइन कर देनी है। तो क्या बना रहा? ल, ल से लट्टू। य, र, ल। ल के बाद क्या आता है? यस, वेरी गुड। व, व से वन, व से वन। व से वन कैसे किया आपने? पहले कर्व बनाया, देन उसको ज्वाइन करके स्टैंडिंग लाइन और फिर एक स्लीपिंग लाइन। तो ये क्या बना हमारा? व, और व के बाद क्या आता है? श, श से
शलगम, श से शलगम, इस तरह से आपको बोल बोल के लिखना है, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लड्डू, व से वन और श से शलगम, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लड्डू, व से वक, श से शलगम। तो इस तरह से आपको अपनी बुक नोटबुक में य क्या लिखना है आज, व और श और य टू श, ये 3 पेज लिखने हैं और अपनी नोटबुक में भी व और श का पेज कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।